नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyairway.com के आज के इस YouTube वीडियो में। दोस्तों आज एक नया टॉपिक आपके सामने पेश है, और दोस्तों ये डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे एक बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको नए अपडेट्स का पता लगता रहता है। तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। और दोस्तों आज का टॉपिक बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों हार्ट अटैक की बीमारी आजकल एक काफ़ी कॉमन बीमारी बनी हुई है। हमारा जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, ये इसको जन्म देता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक डॉक्टर साहिबान के बारे में जिन्होंने एक सपना देखा था कि एक ऐसी दुनिया हो, एक ऐसा विश्व हो जिसमें कि हार्ट की बीमारी हो ही नहीं। ये डॉक्टर थे डॉक्टर एलानिस पॉलिंग, और इन्होंने जो स्टडी की थी उसके मुताबिक विटामिन सी और लाइसिन जो कि एक अमीनो एसिड है, न सिर्फ हार्ट अटैक के स्ट्रोक को रोकता है बल्कि धमनियों में थक्के जो जम गए हैं उनको भी पुनः सही करता है, और इसको पॉलिंग थेरेपी भी कहा जाता है। इस थेरेपी के जनक डॉक्टर पॉलिंग और उनके एसोसिएट्स डॉक्टर मैथियस रथ हैं। इस थेरेपी में मुख्य बात यह है कि रोगी को बिना दवा के विटामिन सी की हाई डोज और साथ में लाइसिन दिया जाता है। ऐसे में रोगी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने का खतरा नहीं रहता है, और अगर आर्टरीज में थक्के जमा हो गए हैं तो वो भी सही हो जाते हैं। और दोस्तों हमारी रक्त वाहिनियों की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए कॉलेजिन की बहुत आवश्यकता होती है, और विटामिन सी कॉलेजिन बनाने में बहुत उपयोगी है। कॉलेजिन एक प्रकार का गोंद है जो रक्त वाहिनियों की कोशिकाओं को आपस में जोड़कर रखता है, जैसे कि किसी छत में सीमेंट बाकी चीज़ों को जोड़ के रखता है। जब हमारी रक्त वाहिनियों में कॉलेजिन कम हो जाता है तो वो कमज़ोर और क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनमें लीकेज शुरू हो जाती है जिससे क्लॉट बनने का खतरा होता है, और उस समय कोलेस्ट्रॉल जो कि LDL है यहाँ पर आकर कॉलेजिन की जगह जमा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर कवरिंग बना लेता है। उस समय अगर हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में विटामिन सी की डोज मिल जाए तो हमारे शरीर में कोलेजन की कमी नहीं आएगी और वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा। लाइसिन की अधिक मात्रा लेने के लिए जो रक्त वाहिनियों की लीकिंग होने पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया था, इस अमीनो एसिड से हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाइसिन लिपोप्रोटीन की बाइंडिंग को रोकता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः उसी जगह को पर जाकर इकट्ठे होते हैं जहाँ पर रक्त वाहिनियों को लाइसिन नहीं मिल पाता। तो यदि उचित मात्रा में लाइसिन का सेवन किया जाए तो हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं और वापस नॉर्मल हो सकते हैं। लाइसिन हमारी रोजमर्रा दिनचर्या में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वस्तुतः सभी प्रकार के अनाज में ये मिलता है। तो विटामिन सी और लाइसिन दोनों हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, इनको हमें डाइट में लेना पड़ता है, वो भी अत्यधिक मात्रा में। जिन लोगों में कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है उनको लगभग 3000 से 6000 मिलीग्राम डेली डोज लेनी होती है। और विटामिन सी के जो स्रोत हैं ये खट्टे फल जैसे कि संतरा, मौसमी, नारंगी, नींबू, आंवला, चौलाई आदि हैं, और लाइसिन के जो स्रोत हैं सभी अनाज, सभी दालें, बथुआ का साग, कुसुम का साग, चकंदर, गाजर, प्याज, मूली आदि हैं। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखें कि ये जो आपको फ्रूट्स और जो लाइसिन के स्रोत बताए गए हैं आप इनका अपने खाने में सेवन ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, और आप ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने जो मित्रगण उनके साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों आप ये ज़रूर करें, इसका ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों आप इस बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट onlyairway.com पर जाकर के देख सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ काफ़ी डिटेल में मिल जाएगी। और आपके कोई फीडबैक कमेंट्स आदि हैं तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।